भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक खूबसूरत राज्य सिक्किम, जो भारत का 22वां राज्य बना, जिसकी राजधानी गैंगटोक है। क्या आपको पता है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? आइए हम जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमें कमेंट्स करें। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसने सिक्किम के चोग्याल से विलय पर साझा करने के लिए कहा गया। उस समय सिक्किम पर चोग्याल वंश का शासक था, लेकिन अगले करीब 2.5 दशकों तक सिक्किम इससे इनकार करता रहा। आखिर अप्रैल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उत्तर पूर्व के इस राज्य को देश में मिलाने का फैसला कर लिया। ये काम चोग्याल यानी सिक्किम के राजा की तमाम धमकियों के बावजूद किया गया। 6 अप्रैल को भारतीय सेनाओं ने राजमहल पर कब्जा किया। फिर संवैधानिक तौर पर संसद में सिक्किम को मिलाने पर मोहर लगवाई गई। 16 मई 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फारूक अली के हस्ताक्षर के बाद ये भारत का 22वां राज्य बन गया। सिक्किम के भारत में विलय सबसे बड़ी भूमिका रॉ की रही। कहा यह भी जाता है, इस पूरे मिशन में रॉ ने बखूबी अंजाम दिया। आज़ादी के समय सिक्किम अलग रियासत थी, वहाँ चोग्याल वंश का राजा था। 1947 में सरदार पटेल ने बाकी रियासतों की तरह सिक्किम को भी भारत में मिलाना चाहा था, लेकिन उस समय चीन का पैच फंसा हुआ था, क्योंकि तब नेहरू को लग रहा था कि अगर भारत विलय के लिए सिक्किम पर आक्रमण हुआ तो चीन वैसा ही कुछ तिब्बत के साथ कर देगा। लिहाजा विलय नहीं हुआ। फिर 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक संधि हुई। अब सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट राज्य बन गया, मतलब कि राज्य तो चोग्याल चलाएंगे लेकिन उसके रक्षा और विदेश मामलों को भारत देखेंगे। 1964 में नेहरू के निधन के बाद सिक्किम के राजा पलडेन नामग्याल ने मांग की कि अब सिक्किम को भी भूटान जैसा दर्जा दिया जाए, यानी उसे आजाद देश माना जाए। तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी, उन्होंने नामग्याल की बातों को अनसुना कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध और कांग्रेस की अंतर्कलह से जूझ रही थी। 71 के युद्ध में जीत के बाद इंदिरा गांधी ने एक दिन रॉ के चीफ आर.एन. काव को तलब किया। उन्होंने काव से पूछा, क्या तुम सिक्किम का कुछ कर सकते हो? इंदिरा सिक्किम को पूरी तरह मिलाना चाहती थी। सिक्किम के राजा के रंग ढंग उन्हें बहुत चालाकी भरे लग रहे थे। दूसरे सिक्किम रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य होता जा रहा था। इसके बाद काव ने एक प्लान बनाकर उसको इंदिरा के सामने पेश किया। प्लान चोग्याल राजशाही को धीरे धीरे कमजोर करने का था। इसमें सियासी रणनीति की ज्यादा जरूरत थी। स्थानीय पार्टियों की मदद ली गई। सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी लैंडुप दोरजी ने पहले से ही राजशाही के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। जनता भी आमतौर पर राजशाही को लेकर असंतुष्ट होते जा रहे थे। असंतोष बढ़ने लगा। 1974 में विधानसभा के चुनाव कराए गए। हालांकि चोग्याल राजशाही इस पर कतई राजी नहीं थी। काजी की अगुवाई में उनकी पार्टी जीती और सरकार बनी। फिर विधानसभा में इस सरकार ने द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 सदन में पेश किया, जिसके पारित होते ही सिक्किम भारत का एसोसिएटेड स्टेट बन गया। अब राजशाही को अंदाजा हो गया था कि क्या होने जा रहा है। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश शुरू की। रॉ के प्लान के तहत सिक्किम में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हुए। फिर 6 अप्रैल 1975 में भारतीय सेना ने राजमहल पर कब्जा करके राजा को अपने नियंत्रण में ले लिया। राजा बहुत नाराज हुआ, धमकियां दी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। भारतीय सैनिकों को राजमहल में तैनात 243 गार्डों को काबू में करने में बमुश्किल 30 मिनट लगे। दोपहर 12:45 बजे तक सिक्किम का आजाद देश का दर्जा खत्म हो चुका था। चोग्याल को महल में ही नजर बंद कर दिया गया था। फिर अगले कुछ दिन बहुत तेज घटनाक्रम वाले रहे। पूरे सिक्किम में विधानसभा की देखरेख में रेफरेंडम कराया गया। 97% जनता ने भारत में विलय
पक्ष में मत दिया। फिर भारतीय संसद में इससे संबंधित प्रस्ताव पास किया गया। राज्यसभा में यह बिल 26 अप्रैल को पास हुआ और 15 मई 1975 को जैसे ही राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए, चौग्याल राजवंश का शासन समाप्त हो गया। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ऐसे ही नई जानकारियों के साथ जुड़े रहें हमारे चैनल लेट्स टॉक के साथ। मिलते हैं आगे नेक्स्ट ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।